एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो, अ रियल टॉक काइंड ऑफ वीडियो। पिछले कुछ समय से हम मल्टीपल टाइम लॉकडाउन हुए हैं और हम सबकी सिचुएशंस भी अलग अलग रही हैं, जिसमें हम कई बार ये सोच रहे थे कि हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। नेचुरल सी बात है, इस टाइम पीरियड में हमारी लर्निंग भी अलग अलग तरीके की रही है। हम कई बार ये बोल के खुद को कन्विंस करते थे कि हम अकेले ही नहीं हैं जो इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और दूसरों की परेशानी को जब हम देखते थे तो हमें अपनी परेशानी कम दिखाई। घर में थे तो मैंने महसूस किया कि हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपनी लर्निंग स्किल्स को और अधिक डेवलप कर सकते हैं, जिसमें है नंबर वन मी टाइम। मी टाइम अपने खुद का समय, डेली के रोज़ के काम जो हम अपने करते हैं उसके अलावा ये हमारा पर्सनल टाइम है जिसमें हम अपने लिए समय देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने लिए मी टाइम जो हमने इस लॉकडाउन में सीखा वो निकालना सीखना चाहिए। नॉट नीड अ लॉट टू बी हैप्पी। हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, जो चीज़ें हमारे पास सीमित थी हम उसमें भी अपने आप को खुश रख सकते। तीसरा पॉइंट है डिफरेंट सिचुएशन हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी देती है ग्रो करने की। लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड में जब हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन थे, बंद थे, तब हमारे पास वो सिचुएशंस वैसी नहीं थी जैसी हम हमेशा सामना करते थे। इस सिचुएशन में हमने ये पाया कि हम इस टाइम पीरियड में भी कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और हम एक नए वर्ल्ड से रूबरू। इस टाइम पीरियड में जब हम घर में थे तब मैंने ये पाया कि हम अपने स्किल्स को, अपने अंदर के हुनर को बाहर वर्ल्ड को दिखा सकते हैं। और ये सबसे अच्छा समय था, इस नेगेटिविटी के टाइमिंग में भी सबसे अच्छा ये वो समय था जब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा देख सकते थे। ये वो समय था जब हमने फ्री माइंड, वैसे तो हम सभी बहुत टेंशन्स में थे आने वाले समय को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और हम अलॉट टाइम हमने खुद को इसके बीच में पाया। कई बार हम अपने एक लूप जोन में खुद ही चले गए और उस जोन से निकल कर के आना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन इस टाइम पीरियड ने भी हमें कुछ पॉजिटिविटी दी है और उसमें हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हमें खुद के लिए, खुश रहने के लिए और अवसर खोजने के लिए किसी स्पेशल टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है या किसी विशेष अवसर की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कभी अपने माइंड में बैठे, अपने जोन में बैठे, तब हम अपने लिए वो समय निकाल सकते। मुझे जुड़ करके आपसे बहुत खुशी होगी अगर मेरे इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आपके दिल को छू जाए, आपको ये महसूस हो कि हम कुछ समय अपने लिए दे सकते हैं और अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड इम्प्रूवमेंट का है। ये समय आगे बढ़ने का है, आगे कुछ लर्निंग करने का है और सीखने की कोई नहीं।